जी से। The exercise was undertaken at a time when military action। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में यूक्रेन की स्थिति पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 भारतीयों को भारत वापस लाए जाने की बात कही। भारतीय विदेश मंत्री ने अपने बयान में खास तौर पर खारकीव की चुनौती का जिक्र किया, क्योंकि वहां निरंतर गोलीबारी और हवाई हमले हो रहे हैं। Community was dispersed across Ukraine, posing its own logistical challenges. The exercise was undertaken at a time when military actions, including airstrikes and shelling, were underway. It involved movement in a war-torn situation in a large country, at times over 1,000 kilometers. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ फौरन अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दे। लेकिन अभी तक रूस के हमले बंद नहीं हुए। फिलहाल इस जंग का खमियाजा यूक्रेन के बेगुनाह नागरिकों को उठाना पड़ रहा है, और रूस के हमले में यूक्रेन के खूबसूरत शहर खंडहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग, आपको बता दें यूक्रेन और रूस के बीच आज युद्ध का 24वां दिन है। यूक्रेन की सेना की ओर से रूस पर जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क का एक वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने वहां के एक इलाके को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसे सुरक्षा दे रहे रूसी सैनिकों के ठिकाने पर बमबारी की, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इलाके में आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कि यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है। डोनेस्क का ये वीडियो है, जिसमें किस तरीके से रूसी सेना को नुकसान पहुंच रहा है, पुतिन की सेना भी घिर चुकी है, ये दावा इस वीडियो के जरिए किया गया है। जंग के बीच यूक्रेन के खार्किव में एक बिल्ली को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसका वीडियो सामने आया, जिसमें वो बिल्ली मलबे के नीचे दबी दिखी। जैसे ही लोगों की नजर उस पर गई, उन्होंने रेस्क्यू टीम को खबर किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने मलबे को हटाया और उस बिल्ली को बाहर निकाला। खबर है कि बमबारी में बिल्ली के मालिक की मौत हो गई थी। यूक्रेन की राजधानी कीव के एक एनजीओ ने इसका वीडियो जारी किया। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन के एंटी टैंक वेपन की खूब चर्चा हो रही है, और अपने इन्हीं हथियारों के बल पर यूक्रेन पिछले 24 दिन से रूस जैसे शक्तिशाली देश के सामने खड़ा है। यूक्रेन उसे लगातार टक्कर दे रहा है, उसके रूसी सेना की जंगी चाल को धीमा कर रखा है। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रही है। इसमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला NLAW सिस्टम, यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, रेंज 800 मीटर है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल है। तीसरा है स्वीडन से मिला 84 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है। सबसे पहले देखिए कि जेवलिन क्या कर सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी एक के बाद दागो और भूल जाओ। ये मिसाइल टैंक की टरेट, यानी उस हिस्से पर ऊपर से वार करती है जो टैंक का सबसे नाजुक हिस्सा माना जाता है। टॉप एंगल शॉट से रूस कहीं नहीं, किसी भी टैंक के लिए बचने की ना के बराबर चांस होते हैं। अमेरिका 90 के दशक से इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 2013 में अमेरिकी जेवलिन का नया वर्जन भारत के साथ तैयार करना चाहता था। हालांकि तकनीकी ट्रांसफर को लेकर बात नहीं बनी। साथ ही भारत तब अपनी एंटी टैंक मिसाइल भी तैयार कर रहा था। अब यूक्रेन में हुई जंग ने जेवलिन की किस्मत बदल दी है, और अमेरिका को जल्द ही इस मिसाइल की दुनिया भर से ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ने जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के जरिए यूक्रेन तक ऐसी
से ज्यादा NLAW मिसाइल सिस्टम मिले हैं। जर्मनी से यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार मिले हैं। नॉर्वे ने 2000 दिए हैं। स्वीडन 5000 एंटी टैंक सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है। इनमें 84 एंटी टैंक लॉन्चर भी है और NLAW मिसाइल भी। NLAW ऐसा सिस्टम है जिसमें इस मिसाइल के फायर करने वाले सैनिक को 3 सेकेंड तक इसे ट्रैक करना पड़ता है और फिर उसके बाद ये अपने आप टारगेट यानी टैंक तक पहुंचती है और फिर उसके 1 मीटर की ऊंचाई को पहुंचकर आखिरी हमला करती है। 12.5 किलो के इस मिसाइल को लाने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और रेंज चाहे 800 मीटर हो या 20 मीटर NLAW इन दूरियों के लिए एक परफेक्ट हथियार कहा जाता है। NLAW ने रूस को यूक्रेन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने यूक्रेन की फौज से बहुत सी एंटी टैंक मिसाइल बरामद की। रूस ने ये हथियार कहां पकड़े उसने लोकेशन नहीं बताई, लेकिन ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम इस वक्त यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे ज्यादा खून बहा रहे हैं।